Hey everyone, it's someone here to edit something and welcome to episode 2 of Framecraft. And today we're creating explosions. तो कल वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने कैसे स्ट्रेंजर थिंग्स का ये बैटल सीन रिक्रिएट किया विद विजुअल इफेक्ट, और आज हम उसी बैटल सीन के इन फायर और एक्सप्लोजन वाले शॉट की बात करने वाले हैं। मैंने कल वाली वीडियो में कहा था इसमें एक्सप्लोजन, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट सब कुछ प्रैक्टिकल था, सब कुछ ऑन कैमरा लाइक स्पेशल इफेक्ट के साथ किया गया था। उसके तीन रीजन है, मैं बताता हूँ क्यों। तो सबसे पहले इसमें कोई एनहांसमेंट नहीं थी, इस इफेक्ट को एनहांस करने के लिए कोई ऐसा कैमरा शेक लेंस फ्लेयर वगैरह नहीं थी, क्योंकि अगर वीएफएक्स होते तो उसमें मोस्टली ये डाली जाती है और हमको भी इसको ऐड करना पड़ेगा टू सेल द इफेक्ट। और एक और रीजन ये भी है कि इस बर्ड आई शॉट में हम देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है और जो एक्सप्लोजन है उसके बीच में बहुत ही ज्यादा दूरी है, कितना दूर खड़े हैं, और इसके डस्ट का, डिब्री का और एक्सप्लोजन का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा रियल लग रहा है, लाइक इंटरेक्शन देख जैसे उन कार्स के साथ हेलीकॉप्टर का रिएक्शन है ना। और एक और चीज जो तुम्हें हर रियल एक्सप्लोजन में देखने को मिलेगी कि एक्सप्लोजन की कोर जो है वो बहुत ही ब्राइट होती है, इट्स लाइक ओवर एक्सपोज, क्योंकि वो बहुत हॉट होती है तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होती है, ऑलमोस्ट लाइक कंप्लीट व्हाइट इन कलर। और उसके बाद वो धीरे धीरे उसका कलर ट्रांजिशन होता है जैसे कि येलो, ऑरेंज, रेड एंड डार्क रेड, और उसके बाद ब्लैक करके स्मोक में बदल जाती है। तो इस एक्सप्लोजन को बनाने के लिए मैंने बेसिकली इंटरनेट से एलिमेंट्स डाउनलोड किए, जितने भी वीएफएक्स एसेट्स मुझे मिले वो मैंने डाउनलोड किए और बस उसको अपनी फुटेज में लगा दिया, कंपोजिट कर दिया एंड देन कलर ग्रेडिंग वगैरह उसकी थोड़ी मैच कर दी ताकि वो थोड़ा सा हमारे इमेज के साथ ब्लेंड हो जाए एंड दैट इज इट। और जितना इजीली मैंने इसे अभी तुम्हें बताया उतना इजीली नहीं किया था मैंने, अच्छे से टाइम लगाकर बनाया था। जब शॉट पूरे हो गए थे तो मैंने बाद में नोटिस किया कि एक्सप्लोजन इतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा, लाइक इतना बेटर नहीं लग रहा। और हाँ, मुझे पता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स में पूरा प्रैक्टिकल इफेक्ट था, रियल एक्सप्लोजन था एंड ऑल, और हम इसे पोस्ट में बना रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा। बट हाँ, हमने बहुत सी मूवीज में फोटो रियलिस्टिक एक्सप्लोजन भी देखे हैं जो कि पोस्ट में बनाए जाते हैं, बट हाँ ये भी बात है कि उनको सिमुलेट किया जाता है, पर हम यहाँ पर वीएफएक्स एसेट और एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं तो हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा मुझे पता है, बट फिर भी ये इतना ज्यादा बेटर नहीं लगा। सो देन आई रीमेड द होल एक्सप्लोजन अगेन, सो स्टेज 2 इज EXR फाइल। तो अब जब वो पहले वाला एक्सप्लोजन काम नहीं कर रहा था तो अभी हमें एक्सप्लोजन के और एसेट्स चाहिए थे जो थोड़े पहले से बेटर हो, और मुझे ये एक वीडियो मिली थी जो कि एक्सप्लोजन एसेट्स के ऊपर थी बाय अ चैनल कॉल्ड कंपोजिटिंग एकेडमी, और जो कि फ्री फाइल्स थी और ये सिमुलेटेड एक्सप्लोजन थे तो और भी बेटर, एंड दिस गाय इज अ इंडस्ट्री प्रोफेशनल सो हिज स्टफ इज लुकिंग रियली कूल। बट जब मैंने वो फाइल डाउनलोड की तब मुझे पता लगा कि वो फाइल जो है वो EXR सीक्वेंसेस में, और मैंने EXR फाइल के साथ कभी काम नहीं किया था। और अगर तुम में से कोई है मेरे जैसा जिसको नहीं पता था कि EXR फाइल्स क्या होती है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एक्सप्लोजन का शॉट है तो एक्सप्लोजन के साथ साथ उसमें एक फायर वाला क्लाउड होगा और उसके बाद एक स्मोक क्लाउड होगा, तो EXR फाइल में हम स्मोक क्लाउड के कलर को चेंज कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग द फायर क्लाउड्स, और ऐसा ही वाइस वर्सा, फायर क्लाउड को चेंज करेंगे तो स्मोक पे कोई असर नहीं होगा। और अगर तुम्हें इसे और डिटेल में जानना है तो तुम एक्शन वीएफएक्स की ये वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पर मुझे पता नहीं क्यों ये फाइल्स मेरे कंप्यूटर में काम ही नहीं कर रही थी, आफ्टर इफेक्ट्स में खोल रहा था खुल नहीं रही थी, और ये क्योंकि इमेज सीक्वेंस था तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ता, और मैंने कन्वर्ट करने की भी कोशिश की थी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, बट समहाउ ये बहुत ही टाइम ले रहा था और मुझे लगा उतना टाइम मेरे पास है नहीं, तो आई ड्रॉप द प्लान ऑफ यूजिंग दिस। तो अब ये EXR फाइल भी मेरे लिए काम नहीं आई और पुराने एसेट्स भी काम नहीं आए। देन आई पुल्ड आउट माय बिगेस्ट वेपन, प्रोडक्शन क्रेट। Just go on production crate and search free and you will find dust, debris, blasts, explosions and much more. Then मैंने उसे add करने के लिए उसे simply key out किया key light effect से, और फिर मैंने उसको liquify effect लगा कर थोड़ा सा distort किया अपने footage के हिसाब से, then मैंने उसमें hue and saturation effect लगा कर yellow वाले channel पर shift करके उसकी lightness को increase कर दिया, और red channel को भी थोड़ा सा adjust किया, then exposure effect लगा उसके exposure को increase कर दिया और gamma correction को decrease कर दिया, then मैंने उसमें tint effect लगाया और उसमें sand के color को white के लिए select किया और amount to tint को 20 पे shift कर दिया, और उसके बाद मैंने उस पर लगाया advanced spill suppressor effect, then I added blumetric color, then color wheels, और उसको मैंने थोड़ा सा वार्म टोन दे दिया उसकी वैल्यूज को कुछ इस तरह से एडजस्ट करके, और उसकी वैल्यूज को थोड़ा सा एडजस्ट करके मैंने उसकी ग्रे स्मोक को ऐसे ब्राउनिश थोड़ा टोन दे दिया जिससे वो डस्ट के जैसा लगेगा, बहुत ज्यादा स्मोक जैसा नहीं लगेगा, और फिर मैंने कर्व्स में जाकर ऑरेंज और रेड्स को एडजस्ट किया कुछ इस तरह से, देन आई एडेड फास्ट बॉक्स ब्लर इफेक्ट एट वेरी लो वैल्यू, देन आई जस्ट एडेड मोर डस्ट एलिमेंट्स स्मोक्स यूजिंग द सेम इफेक्ट्स टू ब्लेंड इट,
और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ग्लो बनाया उन क्लाउड्स के ऊपर, अगर एक्सप्लोजन है तो थोड़ा सा ग्लो आना चाहिए। देन उसके बाद मैंने शेडोज ऐड करी और शेडोज मैंने सिंपली एक मास्क के थ्रू ऐड किया है। और उसके बाद मैंने इसमें और डस्ट एलिमेंट्स लगाए अपने प्रीवियस वाली कॉम्प से, जिसमें मैंने वो पुराना वाला एक्सप्लोजन बनाया था और जो कि नहीं चला था, तो मैंने उसी में से कुछ कुछ डस्ट एलिमेंट्स उठा लिए हैं एक्सप्लोजन से पहले जो होते हैं, और भी ज्यादा डस्ट एलिमेंट्स। और मैंने एक स्पार्क्स की लेयर को भी ऐड किया है किसी और एक्सप्लोजन की फुटेज से, और उसको मैंने बस सिंपली मास्क आउट कर उसे बस इस तरह से ऐड कर दिया। जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है और उसमें अगर उसके बाद एक और एक्सप्लोजन हो रहा होता है, तो वो एक पूरे एक्सप्लोजन को एक नई लाइक एक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से भर देता है और एक नई लुक एंड फील दे देता है। लाइक इसमें एक न्यू एनर्जी का फ्लो जाता है कुछ इस तरह से, तुम देख सकते हो जैसे कि ये जा रहा है। Now here I wanna add that electric shock wave to the explosion. So उसके लिए just add Lumetri effect, increase the exposure, create a moving mask like this, then go to effects, Lumetri color, composite option, then click this plus button here, and then select the mask layer. और ये सब सेम प्रोसेस है। मैंने एक और एक्सप्लोजन की लेयर ऐड की है जो कि ये वाली, और ये शॉक वेव का जो मैंने मास्क ड्रॉ किया था उसको भी मैंने उसी टाइमिंग से एडजस्ट किया है जब ये दूसरा वाला एक्सप्लोजन होता है। तो नेक्स्ट इस सीन की बात कर लेते हैं जिसमें एक फायर वाला शॉट है और हम थोड़ा उस एलिमेंट्स के बीच में से देख पाते हैं। तो मैंने अपने सब्जेक्ट का एक फोटो कटआउट निकाल लिया था इस शॉट के लिए और उसको अपने बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ा छोटा करके उसे थोड़ा पीछे प्लेस कर दिया है। अपने बैकग्राउंड में एज अ फोरग्राउंड एलिमेंट मैंने कार की पीएनजी ली है, और खैर वो मैंने कार कहाँ से ली, खैर ली तो नहीं, मैंने बनाई थी, और उसको मैंने कैसे बनाया और कैसे मैंने अपने बैकग्राउंड को बनाया वो मैं तुम्हें बताऊंगा कल वाली वीडियो में जो कि सेम टाइम पे आएगी 12 बजे, तो सब्सक्राइब। मैंने उसी कार के पीएनजी के बस कुछ कुछ टुकड़ों को मास्क आउट कर लिया और अलग अलग तरीके से लगा दिया कुछ इस तरह से ये। देन मैंने उनके ऊपर फायर एलिमेंट्स लगाए, और फायर एलिमेंट्स को अच्छे से लगाने के लिए तुम मास्क का यूज कर सकते हो। और फायर एलिमेंट्स के बाद मैंने उसमें स्मोक एलिमेंट ऐड किए, और जहां जहां जरूरत थी मैंने वहां पर उसको मास्क आउट कर दिया, जैसे कि इस विंडो के पास। और ऐसे ही फायर की बहुत सारी लेयर्स लगाने के बाद मैंने उन सारी फायर की लेयर्स को सिलेक्ट कर प्रीकॉम्प कर दिया है, ताकि उन सबको इजीली कंट्रोल कर पाए और सब पर इफेक्ट ना लगाने पड़े, तो वो इफेक्ट कैलकुलेट ज्यादा करता है आफ्टर इफेक्ट्स। देन उस प्रीकॉम्प के अंदर मैंने सबको एक 3D लेयर में कन्वर्ट कर दिया, और 3D लेयर में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसमें एक कैमरा लेयर ऐड किया है, और कैमरा लेयर ऐड करने के बाद मैंने उसके पोजीशन और उसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसको एनिमेट कर दिया कुछ इस तरह से, और जिससे हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। फायर और स्मोक एलिमेंट्स ऐड कर देने के बाद मैंने अपनी मेन कॉम्प के अंदर एक एडजस्टमेंट लेयर बनाई, और एडजस्टमेंट लेयर के अंदर मैंने एक हीट वेव इफेक्ट लगा दिया फ्रॉम रेड जायंट यूनिवर्स। तुम हीट वेव्स को वैसे भी आफ्टर इफेक्ट्स में नेटिवली भी बना सकते हो कंपाउंड ब्लर का यूज कर और टर्बुलेंस डिस्प्ले इफेक्ट का यूज कर। तो इसी तरह से मैंने ऑलमोस्ट सब शॉट बनाया, और इन सब शॉट्स को बनाने के बाद मैंने इसमें कैमरा शेक डाला है, पर वो मैंने प्रीमियर प्रो के अंदर डाला था जब मैं सारे को कंपाइल कर रहा था। देन मैंने प्रीमियर प्रो में उसमें थोड़ी सी कलर करेक्शन की थी, और उसके बाद साउंड इफेक्ट एंड म्यूजिक डालकर हो गया, एंड वी गॉट दिस। Yeah.